इस सेशन में हम ये देखेंगे कि कहानियाँ लिखने का काम तो बहुत मज़ेदार है और लिखते हुए मज़ा भी आता है लेकिन उसको एडिटिंग करके उसकी नोक पलक ज़्यादा दुरुस्त कैसे की जा सकती है क्योंकि जो बड़े बड़े लिखने वाले हैं उनका ये कहना है कि अच्छी लिखाई जो है राइटिंग की स्टेज पे नहीं बनती बल्कि उसकी एडिटिंग अगर अच्छी तरह से की जाए तो उस वक्त ही होती है इसमें हम इस वक्त इस सेशन में हम ये देखेंगे कि जो कहानी है जो फिक्शनल स्टोरी एक होती है उसको एडिट कैसे किया जा सकता है उसके लिए हमने कुछ ये क्राइटेरिया तैयार किया है कि उसकी ग्रामर एक तो ये कि दुरुस्त होनी चाहिए दुरुस्त होने के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि ग्रामर जो उस वक्त आप जो चीज़ कन्वे करना चाह रहे हैं या कम्यूनिकेट करना चाह रहे हैं उसके हिसाब से मुनासिब हो तो दो चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल और उसकी दुरुस्तगी दोनों चीज़ें आपने चेक करनी होंगी दूसरा ये है कि अल्फाज का चुनाव अल्फाज बहुत सारे होते हैं जो कि हर लफ्स जो है वो कोई डिफरेंट मूड या डिफरेंट फीलिंग कम्युनिकेट करता है और कहानी में ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं अगर आप रिपोर्ट लिख रहे हैं तो हो सकता है आपने बात को ज़रा फॉर्मल टोन में या मुश्किल टोन में रखना हो लेकिन यह कि कहानी में उसको अपने दिलचस्प और फ्लो के साथ बनाना है तो वर्ड चॉइस को आप दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं उसके अलावा टोन चेक उसका क्या आ, उदास टोन है कहानी का या लाइवली टोन है आ, या कोई आ, नौजवान उसमें है जो नरेटर है जिसकी आवाज़ है या कोई बड़ा शख्स है कोई खौफ़ की फीलिंग है सस्पेंस है थ्रिल उसके मुताबिक जो है वो आप उसका टोन चेक कर सकते हैं कि आया जो लिखा हुआ मवाद है वो कन्वे कर रहा है कि नहीं कर रहा इसमें बेस्ट ये होता है कि जो चीज़ आपने लिखी है उसको एक दो दिन के लिए छोड़ दें और उसको फ्रेश पैरोफाइज के साथ फिर दोबारा से देखें क्योंकि जिस वक्त आप लिख रहे होते हैं आपके जहन में उसके मानी होते हैं आपको ये नहीं याद रहता कि ये लफ्स वो कम्यूनिकेट करें या आपके दिमाग में वो मतलब है इसलिए आपको लग रहा है कि ये है और वो दूसरे जो आपके कारी हैं जो आपकी ऑडियंस हैं उन तक वो कम्युनिकेट होगा कि नहीं तो टोन चेक और ये सारी चीज़ें बेहतर होता है कि आप उसको एक दो दिन रख के और फिर उसके बाद देखें कैरेक्टर डिवेलपमेंट कहानी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है कैरेक्टर्स कैसे खुल के सामने आ रहे हैं और इवेंट्स कैसे सामने खुल के आ रहे हैं कुछ नमूने का एक हमने टेक्स्ट रखा है आपकी दिलचस्पी के लिए तो इसको देखते हैं पहले जो ओरिजिनल टेक्स्ट है और फिर उसमें हमने क्या तब्दीलियाँ की हैं और आप ये देखिएगा कि आपके ख्याल में और कौन सी तब्दीलियाँ हो सकती थीं क्योंकि ये उस तरह से कोई फिक्स्ड आंसर इसका नहीं होता सिर्फ सजेशंस या रिकमेंडेशन हो सकती हैं uh, या ओपिनियन हो सकता है कि हाँ ये इस तरह से बेहतर लगेगा हो सकता है आप इससे ज़्यादा कोई बेहतर uh, उसमें इम्प्रूवमेंट्स uh, तजवीज़ कर सकते हो सो लेट्स हैव अ लुक पार्टिंग वेज कहानी का नाम है द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ पॉसिबिलिटी टूडे रेलवे स्टेशन आर प्लेसिस वेर पीपल री यूनाइट और सेपरेट फॉर उम्मीद दैट मॉर्निंग गुजरा वाला स्टेशन वॉज अ लॉन्चिंग पैड From where she was taking off to a whole new world, no, a universe, to a different dimension, qualifying for an international competition, travelling with her friends to Islamabad and then onwards to New York. Just a few weeks ago, how her favourite time had seemed depressing to her. That night when Amma had almost denied her permission for the trip. Now, the dust, the heat, and the crowded platform all seemed like a milky way to her as she effortlessly walked along. टू प्लेटफॉर्म नंबर टू वेहर फ्रेंड्स वुड बी वेटिंग फॉर हर तो इसमें यह एक कहानी एक बच्ची की जो रेलवे स्टेशन के ऊपर है किसी मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका जा रही है बहुत एक्साइटेड है अपनी सहेलियों के साथ जा रही है उसको मुश्किल से इजाज़त मिली है इसलिए वो बहुत खुश है इसमें कुछ हमने तब्दीलियाँ की हैं वो देखें उसके बाद कैसा लगता है कुछ बेहतर हुआ है कि नहीं द वर्ल्ड इसके बजाय हमने कर दिया द वल्ड वॉज़ फुल ऑफ पॉसिबिलिटी दैट मॉर्निंग रेलवे स्टेशन मे बी प्लेसिस वेर पीपल री यूनाइट और सेपरेटेड

ट्रैवलिंग विथ हर फ्रेंड्स टू इस्लामाबाद एंड ऑनवर्ड्स टू न्यू यॉर्क उसमें हमने रोबोटिक्स का जिक्र नहीं किया था इसमें हमने उसको स्पेसिफ़िक इन्फॉर्मेशन दिया है कि वो रोबोटिक्स के मुकाबले के लिए जा रही है तो उसके बाद यह है कि दैट नाइट जस्ट अ फ्यू वीक्स अगो हाउ हर फेवरेट कबाब हेट सीम टेस्टलेस टू हर पिछले वाले में ये हमने कहा था उसको स्पेसिफिक नहीं किया था हमने कहा था कि जो उसके फेवरेट टाइम था उसको बोरिंग लगा था उसमें खाने की चीज़ थी खेलने की चीज़ थी या कोई और आउटिंग थी वो नहीं बताया गया था तो इसमें स्पेसिफिक करते जा रहे हैं एंड दैट्स व्हाट मेक्स राइटिंग पावरफुल दैट नाइट बट अम्मा हैड ऑलमोस्ट डिनाइड हर परमिशन फॉर द ट्रिप नाउ द डस्ट द जून सन बीटिंग डाउन ऑन हर वेल्ड हेड एंड द क्राउडेड प्लेटफॉर्म ऑल सीम लाइक अ मिल्की वे टू हर एज शी ग्लाइडेड अलॉन्ग टू प्लेटफॉर्म नंबर टू वेयर हर फ्रेंड्स वुड बी वेटिंग फॉर हर पहले ये था एफर्टलेसली uh, वॉकड की बजाय हमने एक वर्ड कर दिया ग्लाइडेड ग्लाइड का मतलब है जैसे आ, आपने देखा होगा बतखें जब चलती हैं तो वो उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं होता वो स्मूथली फ्लो कर रही होती हैं तो ग्लाइड करना उसको कहते हैं यानी कि इंसान बिल्कुल रवानी से बहता चला जा रहा हो कहीं पर तो वो उसमें एफर्टलेसली वॉक के लिए एक लफ्ज़ है और इट गेट्स द मीनिंग अक्रॉस बेटर तो और एट ज़्यादा ना यूज़ किए जाएँ तो बेहतर है जो कि वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं सो दैट्स हाउ वीव चेंज इट इसका सेकेंड जो पैराग्राफ है लेट्स हैव अ लुक एट द ओरिजिनल एंड देन एट द चेंजेस दैट वीव डन She saw three familiar heads as she approached it. Wait, where was Sadia? She was the one who was going to lead the presentation of their project. Umid's walk became heavy and weighed down. Sadia had worked so hard on the presentation, practiced her speaking skills. Sadia always did this. She was just so unreliable. That time when she had to bring drinks for a picnic and didn't bring enough for everyone. Sigh. So now of उम्मीद का कैरेक्टर भी खुल के आ रहा है और उसकी दोस्त सादिया का भी आ रहा है जो वहाँ पे नहीं है और उम्मीद जो है वो एकदम से उसने उम्मीद छोड़ दी है इससे ये हमें उसके कैरेक्टर के बारे में पता लग रहा है इसको थोड़ा सा चेंज हमने कॉन्टेंट को कैसे किया लेट्स हैव लुक तो इसमें जो मेजर चेंजेस हैं वो ये है कि हैवी स्टेप्स बिकेम हैवी के बजाय हमने कर दिया उम्मीद ग्लाइडिंग स्टेप्स लॉस्ट देयर स्प्रिंग पिछले वाले में हमें उम्मीद का कैरेक्टर एक डिफरेंट तरह नज़र आ रहा था उसने एकदम से ब्लेम किया सादिया को उसने कहा ये अगर आई भी नहीं है उसकी वजह ये है कि ये अनरिलइबल है और ये हमेशा ऐसी करती है अब जो है वो कंसर्न के साथ सोच रही है कि आखिर हुआ क्या और उसको कहीं उसके पेरेंट्स ने मना ना कर दिया सो दीज आर टू डिफ़रेंट ऑप्शन दो डिफरेंट तरह की आप उसके कैरेक्टर uh, को शो कर सकते हैं एंड ऑल्सो आप कहानी को लेके कर कहाँ जाना चाहते हैं हो सकता है आगे कहानी में उम्मीद को ये काम करना पड़े कि उसको वो प्रेजेंटेशन करनी पड़े जो कि सादिया ने करनी थी और क्योंकि वो कहानी की हीरोइन है तो वो हो सक गया सेंट्रल कैरेक्टर है तो हो सकता है कि इस तरह आपको कहानी को जो फ्लो है वो बेहतर मिल सके दीज आर जस्ट सजेशन जस्ट आइडियाज और ये ओरिजिनल टेक्स्ट हैं जो हमने खुद आपके लिए तैयार किए हैं लेट्स लुक एट अनदर टेक्स्ट इट्स कॉल्ड द रिजेक्शन हसन अली लिव इन हमीसो गोट कराची विथ इज ओल्ड मदर ही मेड क्ले बोट्स विथ नो अदर पॉटर कुड मेक हिज कस्टमर्स कम्पेयर टू द टाइटैनिक बेक दैम सो वेल दैट कस्टमर्स कुड प्लेस दैम इन साइड एक्वेरियम एंड दे वन क्रैक दे व बेटर दैन द टाइटैनिक इज़ मदर वॉन्टेड हिम टू सेल दैम फॉर अ हायर प्राइस द प्राइसेज ऑफ शुगर एंड फ्लावर हैव गॉन तो ये एक मिट्टी की जो बर्तन बनाते हैं खिलौने बनाते हैं वो मिट्टी की कश्तियाँ बनाने वाला है उसकी कहानी है और वो उनको सस्ते में बेचते हैं और उसकी माँ उसको कह रही है कि तुम महंगे में क्यों नहीं बेचते और उसके आगे से फिर ये आता है हसन अली जस्ट लाफ्ट इट ऑफ हाँ माँ आई शुड पुट देम इन अ मॉल एंड सेल देम फॉर थ्री थाउजेंड ई एक्चुअली Hasan Ali was afraid to increase the price because then no one would buy them. He would just be stuck with so many boats that he would have to stop making new ones. He would have nothing to do then, nothing to wake up. His day wouldn't pass without this activity. He shuddered to imagine the shame of carrying back unsold boats home. So, it was a he was afraid that if someone did not buy them, he would have to करना पड़ेगा और वो सारी जो है बची भी वापस लेके जानी पड़ेंगी इसलिए वो सस्ते में बेचना चाहता था इसका एक और एक टेक्सट दिखते एनी वन कुड मेक क्ले पिक्चर्स और बोल्स बट बोट्स नो ओनली हसन अली ऑफ खमीसो गोड कराची कुड मेक द बोट्स वॉट वॉज इट दैट द लेडी फ्राम इस्लामाबाद हैड कॉल्ड हिज क्ले बोट हाउस टाइटेनिकेस इट वॉज हिज हैंड्स दैट हैड द मैजिक इट वॉज हिज माइंड दैट वर्कड आउट द मेजरमेंट सो दैट ऑल द वॉल्स विट टू परफेक्शन की बेक द बोट सो वेल दैट कस्टमर्स कोड प्लेस दैम इनसाइड एनक एंड दे वुड सर्वाइव इट बेटर दैन टाइटैनिक अब इसमें देखें हमने उसको आ, हीरो बना के हसन अली खमीसो गोट के जो हैं उसको हमने एक हीरो बना के सामने लाए हैं उसके हाथों में मैजिक है उसकी दिमाग में इतनी मेजरमेंट्स और इतनी आर्किटेक्चरल सेंस उसका इतना अच्छा है कि वो ये सारी चीज़ भी कर सकता है और सब कुछ परफेक्टली बना सकता है और इसमें थोड़ा सा ड्रामा और थोड़ी सी उसकी प्रेजेंस को हमने उजागर किया दूसरी चीज़ जैसे पिछले वाले में भी हमने कहा था जितनी स्पेसिफ़िक चीज़ होगी अब उसके कस्टमर्स में से एक दर इज़ अ लेडी फ्रॉम इस्लामाबाद जिसने कहा कि ये टाइटेिक की तरह इट्स नॉट जस्ट जनरली पीपल बट ए स्पेसिफ़िक लेडी फ्रॉम इस्लामाबाद तो इससे एक पिक्चर बनती है कि उसका क्लाइंटेल या उसकी चीज़ें खरीदने वाले कौन कौन लोग हैं लेकिन वो फिर भी उनको आ, सस्ते ही में बेचना चाहता है और उसकी वजह भी इधर हमने दोबारा से लिखी है वो देखते हैं आपको कैसी लगती है स्टिल सेलिंग दैम फॉर थ्री हंड्रेड ईच हसन अली हिज ओल्ड मदर क्रोक सेट की बजाय क्रोक का वर्ड यूज़ किया जिसका मतलब होता है बैठी हुई सी जरा जैसे खांसी से जैसे खरकी सी आवाज हो जाती है ख़राब सी उसके लिए ख्रोक का वर्ड यूज होता है हैव यू सीन वेयर द प्राइस ऑफ शुगर एंड फ्लार हैव गॉन हसन अली जस्ट लाफ्ट इट ऑफ हाँ माई शुड पुट देम इन अ मॉल एंड सेल देम फॉर थ्री थाउजेंड ईच अब ये सेकंड जो उसका पैराग्राफ है जो उसकी रीजंस हैं कि वो क्यों नहीं उसको uh, ज्यादा प्राइस करता था द ट्रूथ वाज दैट हसन अली वाज अफ्रेड टू इंक्रीज द प्राइस अफ्रेड दैट पीपल वुड नॉट बाय देम इफ ही मेड देम एक्सपेंसिव अफ्रेड दैट व्हाट इफ व्हाट इफ ही वाज स्टक विद सो मेनी बोट्स दैट ही वुड हैव टू स्टॉप मेकिंग दैम वॉट वुड ही डू दैन वॉट वुड ही वेक अप फॉर इफ नॉट फॉर द बोट्स हाउ वुड ही नो इट वॉज टाइम फॉर लंच एक्सेप्ट बाई चेकिंग इफ ही हैड मेड सिक्स बोट्स येट इमेजिन द शेम ऑफ कैरिंग बैक अनसोल बोड्स होम द रिजेक्शन इसमें भी सेम इंफॉर्मेशन कन्वे की गई है लेकिन इसमें अफ्रेड का वर्ड कई दफ़ा यूज़ हुआ है दो तीन सेंटेंसेस के शुरू में यूज़ हुआ है वो उसका एक इम्पैक्ट है और उसका एक वो एम्फोसिस है कि उसका खौफ है इतना ज़्यादा इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं जिससे कि उसकी ज़िंदगी का एक पेथोसा है उदासी सी है कि उसकी ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं है सिर्फ वो यही करता है जिससे कि उसको जो है अपनी जिंदगी का कोई मकसद मिलता है इसलिए पैसे कमाना उसका मकसद नहीं है बल्कि दिस इज़ वॉट मेक्स एम फील यूजफुल और दैट्स वाई ही डज़ इट तो ये कुछ हमने आपके लिए तैयार किया है और इसी तरह जब आप भी अपना टेक्स्ट बनाएं तो उसको ज़रूर देखें ज़रूरी नहीं है कि उसको किसी तब्दीली की ज़रूरत हो और ये भी हो सकता है कि उसमें कोई बेहतरी लाई जा सकती हो सिर्फ उसको कुछ ऐसी चेंज करने के लिए चेंज ना करें बट देखें कि उसका सीक्वेंस उसका फ्लो उसके इवेंट्स कैसे चेंज किए जा सकते हैं ताकि वो ऑडियंस के लिए इंटरेस्टिंग हो